ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हरितालिका तीज व्रत पर किए जाने वाले कुछ सरल अचूक उपाय शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में हर प्रकार की सुख शांति के लिए हर विशेष मौके पर कुछ उपाय जरूर अपनाते हैं, तो ऐसे में हरितालिका तीज व्रत जो हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है, हमें अपनी सुहाग की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए, अखंड सौभाग्य हमारा पूरे जीवन बना रहे, इसके लिए भी हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। कुंवारी कन्याएं इस दिन अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए, मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए, कई कुंवारी कन्याओं का सवाल प्रेम विवाह के लिए भी कुछ उपाय शेयर कीजिए। तो ऐसे में दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत के दिन आप भी इन सरल छोटे अचूक उपायों को जरूर अपनाएं। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत, जैसा हम सभी जानते हैं, सुहागन महिलाओं के लिए मायने बहुत ज्यादा रखता है। तो ऐसे में इस दिन आपको सर्वप्रथम जो कार्य करना है वो ये करना है कि इस दिन सुबह उठकर ही आपको सबसे पहले 16 श्रृंगार नहा धोकर 16 श्रृंगार इस दिन जरूर करना है। अब कई लोग किन्हीं परिस्थितिवश अगर व्रत नहीं शुरू कर पाए हैं, आगे करना चाहती हैं और वो शादीशुदा हैं, वो भी करें। 16 श्रृंगार का इस दिन बहुत महत्व, बहुत मायने हो जाता है। आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं अब तक कर रहे हैं तो इस दिन 16 श्रृंगार कर माता पार्वती के मंदिर जाएं, शिव मंदिर जाकर शिव पार्वती का आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। दूसरा उपाय दोस्तों, इस दिन जो भी सुहागन महिलाएं, जो भी कुंवारी कन्याएं पूजन अर्चन कर रही हैं, उन्हें एक कार्य ध्यान से कर लेना है। देखिए, हम सभी कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो वस्त्र अर्पित करते हैं माता को। या तो आप वस्त्र अर्पित कर रहे हैं या कलावा रूपी वस्त्र भी आप अर्पित कर रहे हैं। तो इस दिन माता को जब आप कलावा रूपी उपवस्त्र अर्पित कर रहे हो तो वो दो करें, मतलब जोड़े से करें। उसके बाद में आप पूरी पूजा विधि संपन्न कर लेंगे। उसके बाद में आप अगर वस्त्र में भी कर सकते हैं तो आप दो वस्त्र करें, मतलब लाल चुनरी माता को आप अर्पित कर रही हैं तो दो चुनरी उस दिन अर्पित कीजिए, क्योंकि उपाय उसी का है दोस्तों। अब पूजा विधि संपन्न आपने कर ली, पूजा विधि करने के बाद में आप उनमें से एक चुनरी स्वयं के लिए माता से प्रसाद स्वरूप लेकर अपने आप अपने पास रख लीजिए। अगर आपने कलावा के तौर पर, उपवस्त्र के तौर पर अगर किया है अर्पित, तो आप वो कलावा उठा लीजिए और उस दिन पूरे दिन जब सुबह हम पारण करते हैं उसके बाद में उस चुनरी को दोस्तों अपने आंचल में बांध कर रखते हैं। इस तरह से आप गांठ लगा लीजिए और उस दिन कम से कम आपको अपने आंचल में ही पूरे दिन बांध कर माता के उस आशीर्वाद को रखना है। उसके बाद में आप उस चुनरी को, उस कलावे को अच्छे से अपने अलमीरा में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। इस उपाय के करने से माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और शादीशुदा जीवन में आपके कभी भी कोई भी दिक्कत अड़चन नहीं आती है। तो ये छोटा सा कार्य है जो ध्यान से आपको इस बार जरूर कर लेना है। दोस्तों, अब तीसरा उपाय देखिए, हरितालिका तीज व्रत के दिन सिंधौरे का, जिससे हमें सर्वप्रथम हमारे पति सिंदूर लगाते हैं, आमतौर पर लकड़ी का होता है सिंधौरा, उस दिन माता के सामने पूजन के वक्त में खोल कर जरूर रखना चाहिए। देखिए, आमतौर पर सिंधौरे को हम पूरे साल बंद करके अच्छे से लाल कपड़े में बांध के रखते हैं कि सिंदूर का एक कतरा भी बिखर ना जाए, लेकिन इस दिन हमें उस सिंधौरे को खोलकर पूजा के वक्त माता के सामने जरूर रखना चाहिए। अब आपको इस उपाय में जो करना है, तीसरे उपाय में, आप अपना सिंधौरा पूजा स्थल पर रखेंगी माता के सामने और आपको माता को इस दिन अलग से 16 श्रृंगार की चीजें तो आप अर्पित करेंगी ही, वो आप बाद में दान कर सकते हैं और खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग से सिंदूर की डिब्बी माता और उनकी सखियों के लिए जरूर रखें। उस सिंदूर की डिब्बी को आप वहां पर रखेंगे और माता को उसमें से आप सिंदूर करेंगे, उनकी सखियों को भी आप करेंगे। पूजा संपन्न करने के बाद में उसी माता की सिंदूर की डिब्बी से, ये काम आप पूजा संपन्न करने के बाद भी कर सकते हैं या पारण के समय भी आप कर सकते हैं, आप माता की सिंदूर की डिब्बी से लेकर 5 चुटकी सिंदूर अपने सिंधौरे में ले लीजिए। देखिए, सुहाग लेने के बहुत तरीके होते हैं, अलग अलग प्रांत के हिसाब से, अलग अलग कुल के रिवाज से बदल जाते हैं।
दोस्तों ये अखंड सौभाग्य का एक अचूक उपाय है, तो इस छोटे से उपाय को आपको जरूर कर लेना है। माता की सिंदूर की डिब्बी से आप जरूर अपने सिंधौरे में 5 चुटकी सिंदूर रख लीजिए। दोस्तों अब चौथा उपाय देखिए, इस दिन माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं आप भेंट में करती हैं और हरितालिका तीज व्रत के दिन कोशिश करके आप अन्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जरूरतमंद को, अगर आप 2 कर सके, 3 कर सके, 4-5 जितने भी लोगों को सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। आप ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार के लोगों को भी, जैसे भाभी को, ननद को, सास को, माता को, किसी को दे सकते हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन सुहाग की सामग्री देने से आपका सुहाग, आपका सौभाग्य बढ़ता है, तो इस एक कार्य को भी आपको जरूर कर लेना चाहिए। बहुत छोटे छोटे से मैं उपाय आपको बता रही हूँ जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब कुंवारी कन्याओं के लिए देखिए, ये सभी उपाय जो हैं, सुहाग सामग्री दान करने का उपाय कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। कई बार वो सवाल करती हैं कि क्या मैं सुहाग की सामग्री दान कर सकती हूँ, मैं कुंवारी कन्याओं, कर सकती हैं। आपको सिंदूर, आपको कोई ऐसी सुहाग की निशानी इस्तेमाल में नहीं करनी है, दान करने में कोई मनाही नहीं। आप ब्राह्मण को, जरूरतमंद को, या अपने घर परिवार में किसी को दान में सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। माता को भी आप, गौरा माता को भी आप अर्पित कर सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चौथा कार्य कुंवारी कन्याओं के लिए, अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए, मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए, प्रेम विवाह के लिए, अपनी उस कामना से वो करना चाहती हैं, इस दिन इस उपाय को जरूर करें। इस दिन जो व्रत कर रही हैं वो भी कर सकती हैं, जो व्रत नहीं भी कर रही हैं वो भी किसी शिव मंदिर में जाकर इस कार्य को कर सकती हैं। आप एक लाल चुनरी लें, उस पर एक पान का पत्ता आप रखें, उस पर एक सुपारी और 11 हल्दी की गांठें और कुछ दक्षिणा रखकर आप अपने मन की कामना के साथ में माता को वो चीजें, वो सामग्री अर्पित कर दें। मन में ये कामना रखें कि आपको अच्छे घर वर की प्राप्ति हो, आपका प्रेम विवाह आप चाहती हैं, मनचाहा वर चाहती हैं, वो हो जाए माता के आशीर्वाद से। तो इस छोटे से कार्य को भी आप इस हरितालिका तीज व्रत के दिन जरूर कर लें। अब पांचवा और आखिरी उपाय दोस्तों, ये सभी के लिए है, जो भी अपने जीवन में सफल दाम्पत्य जीवन, सौभाग्य वृद्धि, अखंड सौभाग्य की कामना रखते हैं, अच्छे घर वर की प्राप्ति की कामना के लिए, इस दिन किसी भी शिव मंदिर जाकर के आपको भगवान शिव का केसर युक्त दूध से अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर घर में आप पूजन विधि संपन्न कर रहे हैं तो घर में भी आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं, उनका भी केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। अगर गाय का कच्चा दूध रहे तो सर्वोत्तम है। दोस्तों इस उपाय के करने से कभी भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी नहीं आती है, किसी प्रकार की परेशानी है वो समाप्त हो जाती है, अच्छे घर वर की कामना है वो आप जरूर प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में ये छोटे छोटे सरल उपाय जो बेहद आसान है, इस हरितालिका तीज व्रत पर आपको भी जरूर अपनाने चाहिए। दोस्तों हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी सभी संपूर्ण जानकारियां आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की हुई है, उन वीडियोस को भी आप अवश्य देखें। कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे जरूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।